किचन में केक बना रहे थे, केक की रेसिपी बना रहे थे। और आज हमारा मैरिज एनिवर्सरी था और मेरा छोटा एक बच्चा भी है जो अभी 1.5 साल का बच्चा है और वो खेल रहा था, फर्श पे खेलते हैं बच्चे, खेल रहा था। और अचानक मैं किचन से बाहर दरवाजे की तरफ निकली तो सामने से वो आता हुआ घर के अंदर घुसा, सरपट सरपट। एक नार सांप है काला कलर का, काफी 5-6 इंच का है उसकी लंबाई। तो हमने फिर जितेंद्र सारथी जी जो रेस्क्यू करते हैं उनको दूरभाष से मोबाइल से फोन किया और वे आए और उन्होंने हमारे घर में आके वो सांप को सुरक्षित पकड़ा और जार में रख के उन्होंने हमें सांप के प्रकोप से निजात दिलाई। जज हैं शीतल मैम हैं और जो कि हमारे गोरमेंट डिस्ट्रिक्ट में सिविल जज हैं, उनके शाम को एक बड़ा हादसा होता होता टल गया। और जैसा कि आज उनकी एनिवर्सरी थी तो जाहिर सी बात है घर पे एक खुशी का माहौल था और उनका एक छोटा सा ही बच्चा है, तकरीबन 6 से 7 महीने का बच्चा है, वो बच्चा खेल रहा था फर्श पे। और अचानक उनके जो स्टाफ है उन्होंने मुझे जानकारी दी क्योंकि घर पर एक नाग सांप घुस गया है। तो मैं वहाँ पहुँचा और सुरक्षित उसको फिर रेस्क्यू किया, लेकिन एक डर का विषय ये था कि वो बच्चा खेल रहा था, एक बड़ा हादसा उनके घर पर हो सकता था, लेकिन वो हादसा टला। इस तरह से निश्चित ही मतलब एक लोगों का डर तो बना हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी किसी प्रकार के बारिश में समय है तो लोग सावधान रहें, जिस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है आप सरकार हमें जानकारी दें ताकि हमें कोई बड़े हादसे को जो आपके घर में अंदरूनी पहुँचने वाला है।